दोस्तों इंडिया में इनफिनिक्स अपने इनफिनिक्स 035G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है और फाइनली अब ये जो स्मार्टफोन से वो यहाँ पर इनकी फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कंफर्म हो गई है। मैंने कल आपको बताया था, अगर आपने पहली वाली कल वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के बारे में आपको इस स्मार्टफोन के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पर इस स्मार्टफोन के फीचर्स भी आ चुके हैं। ये स्मार्टफोन ऑफिशियली कंपनी की तरफ से टीज भी हो रहा है। आज यहाँ पर फिलहाल इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो लीक होकर के आ चुकी, कहा जा रहा है कि सेम इसी प्राइस पॉइंट पर इनफिनिक्स 035G स्मार्टफोन जो है यहाँ पर इंडिया लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट पे। अब ये प्राइस क्या है, किस प्राइस पॉइंट, क्या प्राइस पॉइंट निकल कर आई है और इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये जो स्मार्टफोन है इसकी फ्लिपकार्ट लिस्टिंग 100% कंफर्म हो चुकी है क्योंकि कंपनी ने अपनी टीजर वीडियो में फ्लिपकार्ट के लोगों को प्लेस किया था, जैसे ये चीजें कंफर्म होती हैं कि ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाला है। दूसरी चीज आपको ये बता दूं कि यहां पर इस स्मार्टफोन को कंपनी लगातार टीज कर रही, जिससे ये भी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि ये स्मार्टफोन इसी अगस्त के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। काफी लोग लॉन्च डेट के बारे में पूछ रहे हैं कि लॉन्च डेट क्या है, कब ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि अगस्त इसी लास्ट तक लॉन्च कर दिया जाएगा और आप ये मान करके चल सकते हैं कि आज इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट जो है वो यहां पर ऑफिशियली रिवील कर सकता है इनफिनिक्स, जो कि जैसे ही करेगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम यहां पर बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की लीक्ड प्राइसिंग के बारे में। एक वेबसाइट है जहां पर इस स्मार्टफोन की जो इंडिया के लिए प्राइसिंग है वो फिलहाल लीक होकर के आ चुकी है और कहा जा रहा है कि इसी प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। इन्फिनिक्स 035G नो डाउट है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आपको डिजाइनिंग सारे फीचर्स सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। अब यहां पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्या ये स्मार्टफोन 20,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, तो फिलहाल वो तो नहीं पता, लेकिन जो प्राइस निकल कर आई है उससे ये कहा जा रहा है कि इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है वो इंडिया में कुछ यहाँ पर 17,990 की प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शंस है वो यहां पर बड़े बड़े लीकर्स कर रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो पॉसिबल है कि 17,990 की प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, यानी 18,000 की प्राइस पॉइंट पर आपको एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले, काफी अच्छी पीछे की साइड डिजाइनिंग, साथ में एक अच्छी कैमरा क्वालिटी, फास्ट चार्जर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एक 5G प्रोसेसर, ये सारी चीजें अगर देखने को मिलती हैं 18,000 की प्राइस पॉइंट पर तो स्मार्टफोन काफी ज्यादा क्लियर होगा। हालांकि नो डाउट इन्फिनिक्स इस टाइम पे अपने स्मार्टफोन्स को काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर रहा है, जिससे वो लोग अपने स्मार्टफोन को काफी तेजी से सेल कर पाए, तो इन्फिनिक्स कुछ भी कर सकता है और इन्फिनिक्स यहां पर इस स्मार्टफोन को 18,000 की प्राइस पॉइंट पर अगर लाता है तो मार्केट को ये जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा किल करने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।